अस्सलाम वालेकुम अवधिनो हज़रात, यूट्यूब के सबसे बेहतरीन चैनल नोवर्जी पर खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे कि हम जहनी तनाव यानी डिप्रेशन को कैसे कम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि डिप्रेशन एक जानलेवा बीमारी बन चुका है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के 50 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। तो आएँ हम आपको बताते हैं कि इस डिप्रेशन को कैसे काबू पाया जा सकता है। नंबर वन, गर्म पानी से हाथ धोएं। ज़हनी तनाव को कम करने के लिए आप अपने हाथ गर्म पानी में चंद मिनट तक डुबो दें। आप खुद को दिमागी तौर पर पुरसकून महसूस करेंगे। नंबर टू, अच्छी आवाज़ सुने। खूबसूरत आवाज़ आपके ज़हनी तनाव को कम कर सकती है। एक तहकीक के मुताबिक आवाज़ और वाइब्रेशन का कम्बिनेशन हमारे ब्लड प्रेशर पर मुस्बत असरात मुरतब करता है। ये तनाव से नजात दिलाने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली है, जो हंगामी हालात में बहुत मुफीद साबित होती है। नंबर थ्री, सो जाएं। नींद पूरी ना होना भी जहनी तनाव की वजह बन सकता है, इसलिए बालिग मर्द और ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि रात को कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद पूरी करें, क्योंकि सोते हुए कुदरती तौर पर जहनी तनाव कम होता है। नंबर फोर, वर्जिश करें। टहलना, वर्जिश और साइकिलिंग जहनी तनाव को दूर रखने में मददगार साबित होते हैं। वर्जिश करने से असाबी निज़ाम मजबूत होता है। असाबी निज़ाम की मजबूती आपको खुशी और राहत का एहसास दिलाती है। लेकिन एक्सरसाइज में किसी के साथ मुकाबलाबाजी ना करें, क्योंकि इससे भी जहनी तनाव वाले हार्मोन की सतह बढ़ने का अंदेशा होता है। नंबर फाइव, डायरी लिखें। जहनी तनाव में कमी लाने के लिए डायरी लिखने को अपनी आदत में शामिल कर लें। इससे ना सिर्फ आप जहनी तनाव पर काबू पा सकते हैं, बल्कि आप अपने पूरे दिन के अमल पर बखूबी जायज़ा ले पाएंगे और आने वाले दिन को मज़ीद बेहतर बना सकेंगे। नंबर सिक्स, किताब पढ़ें। जहनी तनाव पर काबू पाने के लिए किताबें पढ़ना भी एक अच्छा तरीका है। आपको आपकी पसंदीदा किताबें पढ़कर खुशी महसूस होगी और बड़ी हद तक जहनी तनाव में कमी वाकई हो जाएगी। नंबर सेवन, जूते उतार दें। जब जहन काबू से बाहर होने लगे तो पैरों को जूतों से आज़ाद करके इन्हें ज़मीन छूने का मौका दें। तनाव की हालत में जूते चढ़ाए रखने से आपके पैरों के नीचे खून की गर्दिश मुतासर होती है, जिससे जिस्मानी तनाव मज़ीद बढ़ सकता है।